दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं 2024 में और अच्छा खासा उससे मुनाफा चालू कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में भी। सबसे पहले तो आप सभी लोग अगर बीसी पॉइंट को लेना चाहते हो तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप सभी को इसी पे आ जाना है। अब यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आज की डेट में बैंकिंग के भी काम करता है, इसी के साथ में आधार से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेस है उनमें भी काम करता है। अब यहाँ पर बीसी पॉइंट जो अपॉइंट किए जा रहे हैं उनके बारे में अगर आप सभी को जानना है तो इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जिसमें कि अगर उसे हमें देखना है तो हमें सर्च करना है यहाँ पर बीसी। अब जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया है तो आप पर देखोगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, तो हमें क्या करना है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो बीसी पॉइंट है वो पैन इंडिया ओपन किए जा रहे हैं, जो कि आम लोगों को जो सर्विसेस है वो प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर इस बीसी पॉइंट के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे जो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप देखोगे कोई भी रिटायर्ड बैंक का एम्प्लॉई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई टीचर अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और यही नहीं कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोग चला रहे हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर क्या है, जिसमें कि आप सभी लोग काम करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। अब यहाँ पर काम कौन कौन से करने होते हैं उसके लिए भी आप सभी को बता देता हूँ। तो इसके लिए आप सभी को एक टैब दी गई है सर्विस रिक्वेस्ट की, जिसमें कि आप सभी को आईपीपीबी कस्टमर्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि कैश विड्रॉल हो गया, डिपॉजिट हो गया, आधार सीडिंग का काम हो गया, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अपडेट करने का काम हो गया, रीकेवाईसी करने का काम हो गया, या फिर पैसे का लेन देन करने के जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के काम है वो आप कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस सेल कर सकते हो, टू व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हो। इसी के साथ में गवर्नमेंट की कई सारी जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि योजनाएं हैं उनका भी लाभ लोगों को आप प्रोवाइड करा सकते हो, और यहाँ पर चाइल्ड एनरोलमेंट हो गया या फिर आधार सेंटर का जो काम है वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप सभी को एक फॉर्म दिया गया है, लेकिन ये जो फॉर्म है आम लोगों के लिए जो इस सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, इन सर्विसेज को लेना चाहते हैं, तो हमें तो चाहिए एक लिंटर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सर्विस रिक्वेस्ट की टैब पे अगेन आना है, और यहाँ पर नॉन आईपीबीबी कस्टमर के सेक्शन पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ और भी ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आप सभी को एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलता है पार्टनरशिप विद यू, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि कई सारी पार्टनरशिप टाइप यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें कि हम एक बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ये जो ऑप्शन दिया गया है इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे की तरफ जो फॉर्म दिया गया है इस फॉर्म में जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है, जैसे कि हमारा नाम हो गया, तो सबसे पहले तो मिस्टर मिसेज जो भी नाम के आगे आप लगाते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना फिल कर देंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसी के साथ में यहाँ पर एड्रेस फर्स्ट लाइन के सेक्शन में, एड्रेस सेकंड लाइन के सेक्शन में आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है। देन यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। अब जैसे आप पिन कोड को फिल करोगे तो आपके पिन कोड पे जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वो यहाँ पर आप सभी को शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी पोस्ट ऑफिस है जो आपके घर के पास में नजदीक है उसको आप सभी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करोगे तो आप नीचे की तरफ देखोगे कि सब डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, इसी के साथ में रीजन और स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। आप सभी लोग एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के सेक्शन में आओगे। अब यहाँ पर आप सभी को जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप सभी को बताना है, जैसे कि हम यहाँ पर एक बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं शॉर्ट शब्दों में यहाँ पर हमें लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माय नेम इज रमेश और मैं एक बीसी पॉइंट लेना चाहता हूँ, जिसमें कि आम लोगों को मैं आसपास में जो भी बैंकिंग सर्विसेस हैं वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विसेस हैं वो मैं देना चाहता हूँ, और आसपास के लोगों को काफी इसके लिए मशक्कतें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, अगर आप बीसी पॉइंट प्रोवाइड कर देंगे तो ये जो सर्विसेस हैं लोगों को मैं आसानी से दे पाऊंगा। ये लिखने के बाद में आप सभी को यहाँ पर आई एग्री का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम वैसे ही फिल कर देना है। देन आप सभी को यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी जो
एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ से दर्ज हो चुकी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब इसको इंटरनली वेरीफाई करेगा, जिसमें कि जो भी आपने पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन किया होगा उनकी तरफ से अब आप सभी को कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आगे का जो प्रोसेस होगा वो आप सभी को बताया जाएगा, जिसमें कि आप सभी को अगर इस एप्लीकेशन का स्टेटस जानना है या आगे आप सभी को क्या करना है इसके बारे में आप सभी को जानना है तो इसके लिए आप सभी को फिर से अगेन यहाँ पर बीसी सर्च करना है और यहाँ पर आप सभी के सामने वही जो नोटिफिकेशन है ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे कि एक एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप सभी को क्लिक हियर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब आप सभी के सामने यहाँ पर एक पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें कि आप सभी लोगों को यहाँ पर एक अपनी फोटो चिपकानी है और जो भी डिटेल्स फॉर्म पर आप सभी से मांगी जा रही है कंप्लीट फिल कर लेनी है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना आईडी नंबर फिल कर देना है और आपको यहाँ पर अपनी बैंकिंग डिटेल फिल करनी है, देन यहाँ पर अपनी जो सिग्नेचर है कंप्लीट कर देने है और यहाँ पर फॉर्म नंबर 60 इसको भी आप सभी को फिल कर लेना है। देन यहाँ पर आप सभी को एक डॉक्यूमेंट भी इसमें अटैच करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी आईडी प्रूफ दी गई हैं, इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अभी जो फॉर्म है फिल करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर सर्कल एंड ब्रांचेस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो इसके लिए डेडिकेटेड ऑफिस होगा उसकी जो डिटेल है आप सभी को शो हो जाएंगे, जिसमें कि आप सभी को सेलेक्ट स्टेट के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो आप सभी के आसपास में जो भी इनके इंडिया पोस्ट के ऑफिस होंगे आप सभी को शो हो जाएंगे। इसी के साथ में उनकी जो हेड ऑफिस की ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर आप सभी को शो हो जाती है। इसी के साथ में जो भी ब्रांच का हेड होगा उसकी डिटेल आप सभी को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप जा करके भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सभी लोग यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी है ये ईमेल आईडी पर आपने यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करे हैं इस फॉर्म को भरने के साथ ही में वो सारे डॉक्यूमेंट इस ईमेल आईडी पर फिल करने हैं और आप चाहें तो फिजिकली इनके पास में जा करके मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे सारे ही स्टेट की इस तरीके से आप जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक का अपना फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं 2024 में। और दोस्तों अच्छा ऑप्शन है पैसा कमाने का, अगर गांव के एरिया में अगर कोई इंस्टीट्यूट है या कोई किसी का दुकान है तो काफ़ी अच्छा, अगर वो सोर्सिंग जानता है या उसका व्यवहार अच्छा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पे लोग थोड़ा भरोसा करते हैं रूरल एरियाज़ में ज़्यादा। तो लोगों को आपको सेवाएँ देनी होंगी, उसके बदले में आपको पेमेंट तो मिलता ही है, प्लस इसके साथ ही एक आपका बेस तैयार हो जाता है जिससे आप दूसरा तीसरा बिजनेस भी अगर कभी फ्यूचर में करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ बिजनेस होता है जिसमें आपका बेस तैयार होता है और कुछ टाइम आता है जब आप उसको इनकैश कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी या चाहिए आपको कि ये काम हो आपका तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9230224490 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि ये सारा डिटेल हम लोग आपका भर के आपका काम करा पाएँ। या डिटेल्स देखिए भरने के बाद क्या होता है पोस्ट ऑफिस पे डिपेंड है कि किस तरीके से होगा नहीं होगा, मगर काम हो जाता है आसानी से हो जाता है और ये आपके लिए अच्छा मौका है दोस्तों।